ऐसा विनोद कह रहे थे। थैंक यू बेटा, आप स्टार्ट करोगे? आप कर लो। ओके। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ये 262 अगेन से के नीचे, 263 वाला अगेन से करना है क्या? वो आप बोले थे कि लास्ट वीक कि वो शायद अच्छा ठीक है, मुझे 262 को अगेन से बोले थे। हाँ ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। वो थोड़ा सा ज्यादा समझाने वाले थे ना, नीचे वाले। हाँ जी, तो एक बार टू फिर से सिक्सटी टू के नीचे से पढ़ो। पढ़ लेते हैं। ठीक है। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे है। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हाँ जी, बहुत सुंदर है ना। तो हम देखते हैं कि जब भरत जी अपना दुख बताते हैं, वो बताते हैं कि कैसे जब मैंने सुना ये सब अनर्थ हुआ है, मेरे कारण हुआ है, कैसे मैंने सुना कि भगवान जगह जगह पैदल फिर रहे हैं, सिर पे छत नहीं है, पाँव में जूता नहीं है ना, कब पेड़ों के नीचे ठहरते हैं, जहां जगह मिलती है वहां रुक जाते हैं। तो उनको कहते, इतना सब सुन के भी मेरी छाती नहीं फटी, मैं मेरे प्राण नहीं निकले। तो वो सब जैसे वो उनका दुख सुन के सारी सभा सब लोग दुखी हो गए। तो जब वो दुखी हो गए तो फिर फाइनली ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने कहा कि थोड़ा तो माहौल बदलना है। तो उन्होंने बहुत सारी कथाएं पहले की कही कि ऐसा बहुत सारे लोगों पे वो, क्योंकि उन्होंने ऊपर कहा था ना कि जब तक जीव जीता रहता है उसको सब सहना ही पड़ता है। उन्होंने ऊपर कहा था दूसरी और तीसरी चौपाई में, ऊपर उसमें कहा था उन्होंने। तो फिर गुरु विशेष जी ने बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल दी कि तुम्हारे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और कोई बात नहीं है, रिजल्ट अंत में अच्छा ही निकलता है। तो अब भगवान फिर बोलते हैं, तात जाए जिए करूं गलानी। तो बोलते, तुम व्यर्थ ही गलानी कर रहे हो, व्यर्थ ही दुख मना रहे हो इतना सारा कि तुम्हारी वजह से हुआ। बोले, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, इस अधीन जीव गति जानी। तो क्या है भगवान के, जैसे हमने हमारा 18 का कौन सा है, 14 है ना, उसमें बोलते हैं ना पांच वो रिजल्ट आने के लिए होते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं उसमें पांच चीजें हेतु है। उसमें लास्ट वाला देव बताया था हेतु, है ना, जैसे बोला था ना कि किसान है, खेत है, इंस्ट्रूमेंट है, देन किसान चेष्टा करता है, लेकिन एंड में रिजल्ट देव के हाथ में है ना, तो बताया था। तो यही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। तो फिर कहते हैं, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। पुण्य श्लोक, भगवान कहते हैं कि हे, तुम्हारे जैसा तो तीनों लोकों में कभी होगा ही नहीं, ना हुआ है ना आगे होगा। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम, तुम तो कहती हो कि मेरा नाम लेने से मतलब लोग, जैसे हनुमान जी बोलते थे ना कि मेरा जो सुबह नाम लोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा पूरा दिन, ऐसे ही भरत जी कहते हैं मैं कितना पापी हूँ, मेरा नाम लेने से
तो सब लोग दुखी हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो कहते हैं नहीं, तुम तो पुण्य श्लोक हो। पुण्य श्लोक मीन जिसका हम सुबह जब नहा लें, जब सुबह किसी का मुखड़ा देखें तो सारा दिन बहुत अच्छा निकल जाता है। तो बोले तुम वो पुण्य श्लोक हो भरत, तुम अपने बारे में ऐसे क्यों सोचते हो। तो कितना सुंदर भगवान जी ने बोला है ना भरत के बारे में। तो फिर उसके बाद कहते हैं तुम्हारे ऊपर जो दोष लगाएगा, तो बोले ना उसको परलोक में शांति होगी ना इस लोक में शांति होगी। तो आगे कहते हैं, तो कहते हैं हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप प्रपंच ज्ञान समस्त अमंगल खत्म हो जाते हैं। तो अब इसके आगे पढ़ेंगे, 263 के नीचे पढ़ते हैं। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, वैर और प्रेम छुपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूं, जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न करो और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। तो अब हम देखते हैं भगवान क्या कहते हैं कि देखो सच्चाई छुपाई से नहीं छुपती। बोले मैं सत्य कहता हूँ मेरा स्वभाव, तो क्या कह रहे हैं कि मैं तो हमेशा सत्य बोलता हूँ और तुम भी, तुम्हारा बिहेवियर जो है, जो आचरण है, वो कहते हैं जो पूर्ण रूप से सच्चा है। सच्चाई छुपाई से थोड़ी सोचती है। तो वो बोलते हैं, कहते हैं कि जानवर भी, कहते हैं वो भी प्रेम समझते हैं, गुस्सा समझते हैं। जिन लोगों के घर में पेट है तो उनको तो पता ही है, सचमुच में समझते हैं। ऐसा नहीं है कि गुस्से में कभी आपस में भी बात करो तो वो भाग जाते हैं, या वो उनको बिल्कुल पता होता है किसी दिन तुम मधु उदास बैठो तो तुम्हारी फटाफट गोदी में आके बैठ जाएंगे तुम्हें प्रसन्न करने के लिए। तो वो बिल्कुल, तो भगवान कहते हैं देखो ये तो जानवर भी पहचानते हैं प्रेम। तो कहते हैं तुम्हारा प्रेम जो है वो छुपाई नहीं छुपता, पता चलता है सबको। जिन लोगों को शंका भी पहले थी ना भरत जी के ऊपर, नाउ दे कैन सी इट इज फॉर रियल, है ना। तो फिर कहते हैं आगे कितना सुंदर बोलते हैं, वो बोलते हैं कहते ता तुम्हें मैं जानू नी के करों का असमंजस जी के। कहते हैं अब मैं क्या करूं, मैं असमंजस में पड़ गया हूँ, दुविधा में पड़ गया हूँ। कौन सी दुविधा? बोले राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी। हमारे जो पिताजी ने अपना सत्य की रक्षा करने के लिए मुझे त्याग दिया, फिर तनु परिहरियो प्रेम पन लागी, फिर मेरे प्रेम में इतने दुखी हुए कि अपने देह त्याग दी। तो मतलब वो एक एग्जाम्पल पहले, बिफोर ही सेज आगे की भूमिका निभाने से पहले एक एग्जाम्पल रखते हैं कि देखो हमारे हमारे पिताजी ने क्या किया। तो हमारे पिताजी ने अपना दोनों चीजें रखी, सत्य की रक्षा की और प्रेम की भी चरम सीमा पर पहुंचे। तो उन्होंने तो प्रेम प्रेम की रक्षा कैसे की, अपना देह ही त्याग दिया। तो बोले अब उनका उनका अगर हम वचन तोड़ते हैं, है ना, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान कर दिया, तो वो तो सही नहीं होगा ना, वो ऐसी भूमिका बना रहे हैं। तो आगे कहते हैं बट कहते तासु वचन मेटत मन सोचो। बट कहते तुम जो बोल रहे हो वो भी मैं अगर तुम्हारी नई बात मानता तो भी मेरे मन में बहुत सोच है, बहुत इसका दुख है। क्या है? तही ते यदि तुम्हारे संकोचो, तुम्हारे लिए तो मुझे बहुत संकोच हो रहा है। तापर गुरु मोहे आयुष देना। ऊपर से गुरु जी ने भी आज्ञा दे दी। क्या आज्ञा दी थी? रिमेम्बर हमारे वो जो गुरु जी ने 257 के नीचे 258 तक भरत जी के बारे में कितना कुछ बोला था ना। फिर उन्होंने एंड में बोला था, जब फिर फाइनली राम जी ने बोला अच्छा जो आप कहोगे हम वो ही करेंगे,
तो बोले अच्छा फिर फंस गए गुरु जी, अब मैं क्या बोलूं। तो फिर गुरु जी कहते हैं देखो मोरे जान भरत रुचि राखे, कहते हैं मैं तो ये समझ रहा हूँ कि भरत की रुचि रखो और जो की जो सो सुबह से साक्षी, कहते अगर आप भरत की रुचि को देख के उसके मन की जान के उसका मन समझ के जो कुछ भी करोगे शिव जी साक्षी हैं वो मंगलकारी होगा। अब ये गुरु ने आज्ञा दी है। फिर उन्होंने आगे बोला था ना कि भरत विनय सादर सुनियो, पहले इसकी सादर से मतलब ये आपको जो बोल रहा है एक बार रिस्पेक्टफुली हियर इट, है ना, उसके बाद जो करना है आप वो देखिए, पहले सुन तो लीजिए ना। कई बार हम किसी की बात सुनते भी नहीं है, पहले ही टोकना शुरू कर देते हैं हम लोगों को। मुझे तो ज्यादा ही आदत है, बच्चे टोकते रहते हैं मुझे, मॉम लेट मी फिनिश फर्स्ट। तो वो ये बात है कि पहले उसके ध्यान से सुन लो फिर आप जो करना सही है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एक तो उस पर कहते हैं गुरु जी की आज्ञा है, एक तरफ पिताजी की वो है व्रत, एक तरफ तुम्हारा संकोच है, ऊपर से गुरु जी की आज्ञा है कि जो भरत चाहते हैं वही करना चाहिए। एंड ऊपर से कहते हैं अब तुम जो कहो अवश्य मैं वही करूंगा। अब कहते हैं कि जो तुम चाहोगे ना, मैं यहाँ पे अब सब सबको पता है भगवान सत्य ही बोलते हैं। अब बोलते हैं कि तुम जो करोगे मैं वही करूंगा जो कहोगे। तो मतलब देखो ये क्या है कि भगवान जो है ना क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे प्रेम के कारण अब मैं भी तुम्हारे वश में हो गया। पहले तो तुम्हारे प्रेम के कारण गुरु जी वश में हो गए थे, उन्होंने पार्टी बदल दी थी, राइट, राम जी की साइड लेने की बजाय भरत जी की साइड लेने लगे। भरत जी भी हैरान हो गए कि इतने ज्ञानी हमारे गुरु जो कभी धर्म के वो पथ नहीं छोड़ते, आज वो भी भरत जी की साइड में हो गए। तो अब भगवान कहते हैं गेस व्हाट, मैं भी अब तेरे वश में हो गया, अब तो जो तू कहेगा वही मैं करूंगा। तो कहते हैं मनो प्रसन्न करी संकोच, कहते हैं मन प्रसन्न, कोई संकोच मत करो, प्रसन्न मन से, पर जो तुम्हारे मन में है खुश होके बोल दो, है ना। खुश होके मीन ऐसा नहीं है कि आधी बात छुपा लो आधी बात रखो फिर तेरे मन में कुछ रह ना जाए, आज निकाल दो सबके सामने जो तुम्हारे मन में है। तो कहते वो कहते आकर कुछ भी कहो, कहते आज मैं आज वही करूंगा, मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ। क्या प्रतिज्ञा लेता हूँ कि ये मतलब जो तुम कहोगे वो करूंगा। तो ये देखो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सूत्र भगवान जी देते हैं। हमने कहा था ना वो रिमेम्बर हमारे किसने ये दिया था अपने उसमें दिवाली के फंक्शन पे, कौन बोला था, श्लोक होते हैं सूत्र होते हैं, है ना, बोला था ना वहां पे। तो वो श्लोक होते हैं सूत्र होते हैं और क्या होता है मंत्र होते हैं, ये बोला था ना उसने, किसने बोला था, वेदांत ने बताया था ना हम सबको। तो जी ये छोटे छोटे सूत्र, सूत्र क्या होता है जो माला पुरोई जाती है वन आफ्टर अनदर, एंड एक छोटी सी बात में बड़ा गूढ़ रहस्य छुपा होता है उसमें, जैसे एक ही अक्षर में बहुत बड़ा रहस्य छुपा होता है। तो वो यहाँ पे भगवान क्या सूत्र दे रहे हैं कि देखो हमेशा अपने आप को, जो अगर मैं ये कहूँ, भगवान मतलब बता रहे हैं, अगर ये कहूँ कि मैं नहीं मुझे धर्म की रक्षा करनी है तो मैं तो धर्म का रक्षक कहाऊंगा और मुझे कुछ नहीं करना। जैसे बहुत सारी गलतियां महाभारत में जो अच्छे आचरण वाले थे जो अच्छे लोग थे उनसे हुई, जैसे भीष्म पितामह ने कहा नहीं नहीं मैंने ये कसम खाई थी कि मैं ये करूंगा, मुझे जो सिंहासन पे बैठा है मैं उसकी बात मानूंगा, मैं उसका गुलाम बन के रहूंगा, है ना। एंड फिर हमारे आचार्य द्रोण ने, वो सबने इतने अच्छे, महारथी कर्ण ने, ये उन सबने कैसे गलतियां की, बोले नहीं नहीं मेरा धर्म ये है, उन्होंने धर्म का सार नहीं जाना। तो धर्म का सार ना जान के उन्होंने अधर्म का साथ दिया। तो यहाँ पे तो भगवान जी ये एक सूत्र दे रहे हैं कि किसी समय अगर किसी और मतलब इस समय भरत है मेरे सामने, अब मैं भरत को छोटा बनाने के दिखाने के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं भरत मैं धर्म की रक्षा करूंगा तुम्हें अब जो करना है वो कर लो, नहीं, बोले मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ मुझे क्या करना है। अब लोग तो थोड़े जो खुश हो गए सुन के कि शायद अब भगवान मान जाएंगे वापस, यही तो भरत चाहते हैं, वो राजा ही तो बनाने के लिए आए हैं सब सामान लेके। तो लोग तो प्रसन्न हो गए कि अरे अब अच्छा होगा, अब भगवान साथ में चल पड़ेंगे। अब आगे देखते हैं।
देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर ढूंढ कर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। तो अब हमने देखा कि अब जब देवता देवताओं ने ये सुना, क्योंकि वो सब देख रहे थे ना, तो उनको तो सोच में पड़ गया कि अरे ये क्या, हमारा तो काम होते होते बिगड़ गया। अब तो राम जी भी कहने लगे कि जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा, अब हम क्या करें। तो बना बनाया खेल हमारा बिगड़ गया। तो कहते हैं फिर वो कहाँ गए, राम शरण सब गए मन माही। अब राम जी की शरण में चले गए मन ही मन कि आप ही हमारी अब रक्षा कीजिए। ये होते हैं स्वार्थी भक्त। भगवान की शरण अपने स्वार्थ के लिए गए। देखो भरत जी भी तो भगवान की शरण जा रहे हैं ना, लेकिन उनमें उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। ये इन लोगों को कोई फिक्र नहीं पड़ा, यू नो। जैसे भरत जी क्या कह रहे हैं कि मेरे भाई भाभी दोनों भाई मेरे से कुमार मेरी भाभी कैसे जंगल जंगल फिर रहे हैं, है ना, और कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो उनको उनको तो ये कितना दुख है इस बात का, लेकिन देवताओं को उससे कोई मतलब नहीं। उनको अपने से मतलब है कि भगवान हमारी हमारी रक्षा करें। यहाँ रहेंगे तो रावण से युद्ध करेंगे, रावण को मारेंगे, बस एक ही मतलब है उनको। पर चलो भगवान तो सबसे ही सबकी सुनते हैं ना, वो स्वार्थी भक्तों की भी सुन लेते हैं। तो राम शरण सब गए मन माहे, मन ही मन राम जी की शरण में गए। अब उसके बाद फिर विचार करते हैं, बहुरी विचार ही परस्पर गई, आपस में फुसफुस होने लगी, बड़ा विचार करने लगे अब क्या करें। भगवान के शरण में तो गए हैं, बट आपको पता है भगवान स्वतंत्र नहीं है। हम एक तरफ तो हम कहते हैं ना भगवान तो सबके हैं स्वामी, वो स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं है वो, कोई उनको ऑर्डर नहीं दे सकता, हुक्म नहीं कर सकता, राइट। पर यहाँ वो देख तो देवता लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अरे भगवान तो स्वतंत्र है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है बताओ, बोले अम्बरीश की कथा नहीं याद, कैसे दुर्वासा जो है वो भी इनके शरण में आया। तो बोले नहीं नहीं मैं नहीं कुछ ही कर सकता, मेरे भक्त के पास जाओ, आपने उसका अपराध किया है। तो अब उसके बाद देखते हैं कि कितने वर्षों तक हिरण्यकश्यप देवताओं को दुख देता रहा, वो आए नहीं, उनका मन नहीं पिघला। लेकिन वो जब उसने दुख देने शुरू किए प्रहलाद को, तो भगवान तुरंत नरसिंह अवतार लेके आ गए जी उसको बचाने के लिए। तो बोले कि तो इसका मतलब यह है कि जो भगवान है वो भक्त के वश में है, स्वतंत्र नहीं है, अब क्या करें। फिर बोलते हैं तो पहले तो फिर कहते हैं अच्छा, फिर मन में आया कि नहीं ऐसा करते हैं कि उनके जो सेवक है ना वो कहते हैं देखो हे देवता कोई उपाय नहीं दिखाई देता, श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, राइट, अर्थात वो तो भक्त की सेवा करना चाहते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित ध्यान करें। बोले अब हमें बचा कौन सकता है, जो भक्त है ना भगवान का वो बचा सकता है। रिमेम्बर दुर्वासा को किसने बताया, किसी ने बचाया था ना, भक्त ने बचाया ना, अम्बरीश ने तो बोला नहीं नहीं आप सुदर्शन चक्र को कि आप इनको कुछ मत को, है ना, और वो माफी मांगना चाहते हैं तो वो उनसे माफी मांगते हैं, अरे आप क्या कर रहे हो, है ना। प्रहलाद जी ने क्या मांगा, हमने अभी अभी भागवतम पढ़ा था ना क्लास में, प्रहलाद जी ने क्या मांगा था भगवान से
कि मेरे पिताजी का कोई दोष नहीं है, ये आपकी माया ने सबको फंसा के रखा हुआ है, आप उनको क्षमा कर देना, ये मांगा था ना। तो सो भक्त तो जो जो उनको दुख देता है ना उसके लिए भी खुशहाली मांगते हैं, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप होते हैं ना। जैसे भगवान के मन में कोई राग द्वेष नहीं, उनके मन में कोई राग द्वेष नहीं है, है ना। तो फिर वो कहते हैं अब भगवान, सॉरी मेरे ये पीछे, तो वो बोलते हैं अब कहते हैं चलो भरत जी की ही शरण में जाते हैं। तो देवताओं की जब ये बात सुनी ना तो उनके गुरु बृहस्पति जी बहुत खुश हो गए, कहते हैं अब आपने अकल की बात की, कोई शुक्र है कुछ तो अकल आई आप लोगों को। तो कहते हैं ये विचार बहुत अच्छा है, आप अगर भगवान की शरण में चले जाओगे तो मंगल ही मंगल है। क्यों मंगल ही मंगल है आगे बताएंगे 265 के नीचे। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों काम धेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो, श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले। हाँ तो कितना सुंदर, यहाँ पे देखो बहुत सुंदर पंक्ति है, सीतापति सेवक सेवकाई काम धेनु सय सरिस सुहाई। सो सीतापति सेवक सेवकाई, रिमेम्बर हम हनुमान चालीसा में क्या बोलते हैं, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। तो अगर हनुमान जी को कहते हैं अगर हम तुमको याद करें ना तो राम जी प्रसन्न हो जाते हैं, और राम जी प्रसन्न होते हैं तो क्या होता है, तुम्हारे जन्म जन्म के दुखों को मिटा देते हैं। अभी हमारे तो इस जन्म के ही पता नहीं हजारों दुख खत्म नहीं होते, तो पिछले जन्मों का बोझा भी जो है हमारे चित्त में बैठा हुआ सबको मिटा देंगे, है ना। और माता ने क्या आशीर्वाद दिया था, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। तो ये जो संत होते हैं ना, ये तो चलो अगर हम कहें कि ये रामचरितमानस की है, इवन आज कलयुग में भी ऐसे हुए हैं। नामदेव जी का आता है ना, नाम ही जपते रहते थे भगवान का, भगवान आए तो बोले क्या मांगो कुछ, तो बोले ना मुझे कुछ नहीं मांगना, बोले फिर मेरा नाम जप जप के मुझे क्यों बुलाते रहते होते, तो अच्छा लगता है आपका नाम जप, तो बोले अच्छा। फिर भगवान सोचे कुछ तो इसकी सेवा करनी चाहिए, वो तो कुछ रखता ही नहीं भगवान की सेवा के लिए। फिर वाले ऐसे जूते बाहर ठीक करने लगे लोगों के जो आ रहे हैं सत्संग में, अच्छा फिर वो भी करके बोर हो गए, एक सेकंड में ठीक हो गया। अब क्या लोग अपने दुखड़े सुना रहे हैं उन्हें, तो वो सबको आशीर्वाद देते जाते हैं, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हें प्रसन्न करें, भगवान तुम्हारे कार्य पूरे करें। तो फिर भगवान ने कहा हाँ ये मिल गया मुझे काम, तो भाग भाग के सब लोगों के काम कर रहे हैं, बिकॉज उनके भक्त ने आशीर्वाद दिया है, उसका आशीर्वाद झूठा ना हो। तभी हम कहते हैं ना कि संतों की सेवा, संतों की दृष्टि कितनी पवित्र होती है, पता नहीं वो हमारे कर्मों से तो शायद हमें कुछ ना मिले, तो लेकिन उनका उनके मन से एक बार भी भगवान के लिए हमारे लिए प्रार्थना निकल जाए तो देखो सब कल्याण ही कल्याण है फिर, है ना। तो ये बात है, तो इसलिए कहते हैं सीतापति सेवक सेवकाई काम धेनु सय सरिस सुहाई, वो कामधेनु की तरह है, जो मांगोगे वहां मिलेगा तुम्हें। तो उसके बाद कहते हैं भरत भक्ति तुम्हारे मन आई तजो सोच विधि बात बनाई। अब आपके मन में भरत की भक्ति आ गई ना, अब सोच छोड़ दो, अब समझ लो परमात्मा आप पे प्रसन्न है, अब विधि ने बात बना दी, मतलब अब भगवान ने आपको मंत्र दे दिया क्या करना चाहिए, भगवान ने ही मंत्र बता दिया कि भरत की शरण में जाओ। तो उसके बाद और बताते हैं
तो अगर वो बोले कि सचमुच ऐसा ही होगा जैसे आप बोल रहे हो, हाँ बोले, कहते क्यों नहीं, क्योंकि भरत जी का सहज स्वभाव, सहज स्वभाव मतलब ऐसा नहीं है कि उनको हमारे को तो मन कंट्रोल करके बैठना पड़ता है सत्संग में, या स्वाध्याय करना पड़ता है, या कुछ भी करना पड़ता है, या कुछ भी अच्छा काम। देखो कई अच्छे, ऐसा नहीं है कि हमें अच्छे काम अच्छे नहीं लगते, अच्छे लगते हैं, फिर भी बहुत बार अगर टीवी नहीं देखना क्योंकि माला करनी है या कुछ और करना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन जो ऐसे संत होते हैं, जो भरत जी होते हैं, उनको कुछ नहीं, उनका तो सहज स्वभाव है, नाम जप, सहज स्वभाव है प्रभु से प्रेम। तो वो कहते हैं उनका क्या, उनका सहज स्वभाव क्या है, उनका सहज स्वभाव है वो प्रभु की परछाई है। अब इसका क्या मतलब होता है परछाई? परछाई हमारी जो परछाई होती है, जो हम कर रहे होते हैं वही करती है ना, हम हाथ ऊपर करें तो वो परछाई का भी हाथ ऊपर होता है, हाथ नीचे करें तो वो, हर एक्शन हमारी परछाई का हमारा ही किया हुआ होता है। तो व्हाट दैट मीन इज कि राम जी जो करते हैं, जो कहेंगे करेंगे सोचेंगे, भरत जी एग्जैक्टली वो ही करेंगे, तुमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भरत जी वो ही करने वाले हैं जो जो भगवान चाहेंगे इन द एंड। तो इसीलिए कहते हैं अब ये बस ये समझ कर अपने मन को स्थिर कर लो, बार बार इधर उधर ना हो, बार बार डावा डोर ना होते जाओ, एंड बस मन को स्थिर करके याद रखो एंड वेट करो, वेट एंड वॉच। अच्छा तो बोलते हैं अब वही वेट एंड वॉच बड़ी मुश्किल है ना। तो वो कहते हैं अब ये भगवान तो सब सुन रहे हैं ना, अब भगवान ने जब ये सुना देवताओं की वार्तालाप, तो उनको और भी संकोच हुआ, अब क्या किया जाए, मैंने तो भरत को बोल दिया, अब देखते हैं क्या होता है। एंड इधर भरत जी सोच रहे हैं कि भगवान, देखो भगवान मुझे कह रहे हैं कि भरत अब जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला देखो मतलब मेरे लिए भगवान अपना प्राण तोड़ रहे हैं। रिमेम्बर भगवान गीता में भी बोलते हैं ना अर्जुन को, नामे भक्त प्रणश्यति, अर्जुन तू पहाड़ के ऊपर चढ़ाओ के मतलब चिल्ला के बोलो सबको सुना दो एक बार, क्या सुना दो, कि भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता, है ना। तो ये है, तो यहाँ पे वो प्रण यही राम जी दिखा रहे हैं। तो ये हमने देखा अर्जुन के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया, है ना। तो अब यहाँ पे भी वही भगवान ने अपना प्रण तोड़ने की, जो उन्होंने कहा था मैं 14 साल ये करूंगा, वन में रहूंगा, मैं ऐसे करूंगा ऐसे, वो अपना बस कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई विल लेट इट गो, तुम खुश रहो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो अब वो कहते हैं, अब उसे लगा कि देखो भगवान ने मेरे लिए प्राण छोड़ दिया अपना, ऐसे मेरे भगवान जो सत्यवादी हैं, हमारे पिताजी कैसे थे, हमारा कुल कैसा था। तो कहते हैं कि ये कुछ कम कृपा है क्या, इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है, मैं क्या मांग सकता हूँ इससे ज्यादा, है ना। तो वो कहते हैं कि सो ये कहते हैं और स्नेह नहीं किया, तो कहते हैं कम कृपा और स्नेह नहीं किया, मतलब ना तो उनका स्नेह कम है मेरे प्रति, ना उनका उनकी कृपा कम है, एक्चुअली बहुत ज्यादा है ना। तो उसके बाद कहते हैं, तो अब देखते हैं अब भरत जी क्या बोलते हैं, अब हम भरत जी की वाणी को सुनेंगे। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोक कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीत नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, जो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है,
राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। हाँ, तो अब हम कहते हैं कि अब क्या बोलते हैं, अब बोलते भगवान कहते हैं, हे स्वामी, भरत जी बोलते हैं, हे स्वामी, हे कृपा के समुन्दर, हे अंतर्यामी, क्या कहूँ क्या कहाऊं। बोले मैं क्या बोलूं और क्या आपसे बुलवाऊं अब, राइट। तो कहते हैं, गुरु महाराज प्रसन्न और स्वामी अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। कहते मेरा ही मन मलिन होगा जो मैंने ये गलत सलत सोचा। तो बोले पर मैं क्या करूं, कसूर नहीं है, वो टाइम ही ऐसा था, माता ने जो कर दिया अचानक, कुटिलता इतनी बड़ी कर दी, एंड ऊपर से मेरा दुर्भाग्य था उस समय, मेरे ही स्टार बैड होंगे उस समय, फिर विधाता की टेढ़ी चाल, ये सब कहते कहते जो हुआ, ये इतना बड़ा ड्रामा, कहते उससे मैं टूट गया, बहुत टूट गया। तो इसलिए कहते, और ऐसा लगा कि पूरी तरह से सबने मिलके, जहां लिखा ना, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, कि उस समय इतना कठिन समय आया कि सबने मिलके जैसे रौंद दिया, बट कहते लेकिन मुझे मुझे आपकी कृपा ने नष्ट नहीं होने दिया, है ना। तो मेरा सर्वस्व नष्ट नहीं हो गया आपके गुरु की कृपा से, गुरु जी ने भी तो कृपा की ना उनके ऊपर। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि हे शरणागत की रक्षा करने वाले, ये वेदों पुराणों ने सबने गाया है कि आप शरणागत की रक्षा करने वाले हो, तो ये तो आपका प्रण ही है। तो उसके बाद जो एक बहुत सुंदर जो बात यहाँ पे आई है ना, देव देवतरु सरिस स्वभाव, सन्मुख विमुख न काहे काओ। तो कहते हैं कि आपका स्वभाव कलक वृक्ष के समान है, वह कभी ना किसी के सम्मुख अनुकूल है ना प्रतिकूल। लेकिन इससे सुंदर जो पहली बात जो कही है वो ये है कि सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए कौन बुरा कर सकता है, जाको राख के साइया मार सके ना कोई, अगर भगवान अनुकूल है फिर तो कोई डर की बात ही नहीं है ना। अब इससे आगे जो बात कही है ना वो बहुत सुंदर है, ये एक्चुअली हमारे लिए एक मंत्र है, एक पहचान है। वो कहते हैं, जाए निकट पहचानी तरुछा, समनी सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग, राव रंक बल पोच। कहते हैं उस कल्प, क्योंकि आप कहते कल्प वृक्ष के समान हो, उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए, ये है सीक्रेट। अब जब हम पढ़ रहे हैं राम जी कैसे हैं, हम भी तो पढ़ रहे हैं ना, हम ये भी, हमें वो भजन भी बहुत अच्छा लगता है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे, हम सबको वो भजन भी बहुत ही अच्छा लगता है, फिर भी वो दूरी छूटती नहीं हाथ से, फिर भी हम चिंता करते हैं, फिर भी हम उदास होते हैं, सुख में दुख में एवरीडे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि हम कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हैं बट हम लेकिन पहचानते नहीं उसको, राइट। वो ये हमारे लिए रामचरितमानस कल्प वृक्ष है ना, ये सब होने के बावजूद भी हम भटकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कल्प वृक्ष जो मांगोगे वो मिलेगा, इससे हमें पता भी है पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं शंका होती है कि शायद नहीं होगा, है ना, शायद नहीं होगा, मेरे स्टार ठीक नहीं है। तो ये सब ये है जैसे, एंड फिर दूसरे मैं किसी संत जी का सुन रही थी, याद नहीं अब किसका सुन रही थी, वो उन्होंने एक बड़ी हंसी की बात यहाँ पे बताई, आई थिंक अखंडानंद सरस्वती जी का लिखा हुआ है, उन्होंने बोला एक और बात है ध्यान रखना चाहिए, बोले कि एक अगर ये भी पहचान चाहिए कि मांगना क्या है। बोले एक शिकारी रात को भटका, वो आया तो बोले बेचारा भटक गया, रात होगी अंधेरा हो गया तो वो पेड़ पे चढ़ गया, पर भूख बड़ी लगी हुई थी, तो उसने बोला आई विश कि मेरा मतलब मुझे गर्मा गर्म खाना मिले, इतनी भूख लगी हुई है। तुरंत उसने देखा इतनी सुंदर थाली परोसी नीचे आ गई उसकी तुरंत, तो उसने खाना खाया, तो उसने कहा अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो मजे से खाना खा रहा है, तो खाने के लिए जो मांगता है, मिठाई मांगी वो भी मिल गई, ये मांगा वो भी मिल गया, फिर खा पी के जब पेट भर गया तो बोलता है कि हे भगवान मतलब आई विश चारपाई आ जाए तो आराम से सो जाऊं।
तो तुरंत चारपाई आ गई, बड़े सुंदर बिस्तर बिछोने आ गए। तो अब अचानक याद, अचानक उसके मन में आता है, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि शेर आ गया, कहीं मैं सो गया और शेर आ गया और मुझे खा लेगा, तब क्या होगा। तो सचमुच में शेर आ गया और शेर ने खा लिया। तो वो हंसा रहे थे कि कलपतरु के नीचे खड़े होके सोच के मांगना चाहिए, हम भी कहीं उसकी तरह ना हो जाए, पहले जो जो मांग रही है वो मिल रहा है, फिर उसके बाद मांग रहे हैं आई होप ये ना हो जाए, लेकिन फिर वो भी शेर भी आके खा जाएगा हमें। एंड होता है, ये हंसी की बात नहीं। तो फिर भयंकर समय आता है, काल आता है, तो वो चुपचाप खाता है। देखो हम कहते हैं कि भगवान ने बाली को पेड़ के पीछे छुपके मारा। अरे भगवान तो सबको ही ऐसे मारते हैं, हम सबको पता है हमने मरना है, क्या पता है कौन से दिन मरना है, कहाँ मरना है, क्या होना है, क्या पता है, छुपके ही मार रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी मार रहे। और वैसे भी हम चलो जब तक जीते हैं उस समय भी यही कहते हैं ना कि भगवान के डंडे में आवाज नहीं होती, हमें सूनर और लेटर तो हमारे अपने कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। सो वो बात है। सो दिस इज द सूत्र हमारे लिए, मंत्र हमारे लिए, कि अगर हमारे सामने ये कल्प तरु है हमारे लिए भगवान श्री राम भरत जी, तो हमने अब इतना सब वेद कह रहे हैं, इतने सारे जो भक्त हैं उन्होंने करके भी दिखा दिया, तो हमें भी किसी ना किसी दिन तो वो डोरी छोड़नी पड़ेगी, एंड लेट इट बी, भगवान के ऊपर छोड़ना ही पड़ेगा। ये बताना चाहते हैं कि जब एक बार उनको पहचान लिया तो जो उसकी छाया में जाके जो मांगोगे वो मिलेगा। आप 267 के नीचे पढ़ते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिटकर मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभ को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में भी सब सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। रजती रजित नहीं रजती लक की बेटा सब राज तिलक सॉरी छोटा सा है ना। राज सब सामग्री सजा कर लाई गई है, जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपाय उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दिया और अयोध्या लौटकर सबको छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनात कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। तो कितना सुंदर बोल रहे हैं ना। मे बी ये नेक्स्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, पूरा उसी में आता है ना बेटा। नेक्स्ट वाला पढ़ दो तो फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। अथवा हम हाँ जी पढ़ो बेटा। अथवा हम तीनों भाई प्रियंका बहन गीता पढ़ेगी, ऐसा प्रियंका गीता पढ़ेगी, गीता नाराज़ नहीं का। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ, अर्थ दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे।
प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत में कल्याण के लिए एक यही उपाय है, प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। इतना सुंदर है ना, आप देते हैं ये क्या बोलते हैं भरत जी, शुरू कैसे करते हैं? तो कहते हैं कि पहले तो गुरु जी का प्रेम से, गुरु जी के प्रेम देखकर, उनका भाव देखकर और आपका प्रेम एंड भाव देखकर कहते हैं अब मेरे सारे दुख तो उसी से मिट गए। जो मेरा वो उन्होंने मेरा बोला था ना, मेरा मलिन मन, मलिन मन क्या कि इसका मतलब ये था कि मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं था। पूर्ण विश्वास होता तो मैं कल्पना ही क्यों करता ऐसे कि मेरे प्रभु मुझ पे शंका ना तो नहीं करते हैं। तो वो जो मुझे इतना सता रही थी बातें सारी, तो अब कहते वो तो मिट गया सब, देर इज नो, वहां कुछ नहीं रहा। तो अब कहते हैं कि तो हे दया की खान, कहते आप वही कीजिए। तो क्या कीजिए? कहते हैं जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ विकार ना हो। कहते हैं अब क्या है कि अब सेवक का धर्म बता रहे हैं। सेवक का धर्म क्या है? जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। तो कहने का मतलब कि मैं कितना नीच था पहले ना, मैं आपको बोल रहा था कि अब मेरी बुद्धि जो मलिन बुद्धि है ना, निर्मल हो गई है। तो अब समझ आ गया कि अगर मैं अपने आप को आपका सेवक समझता हूँ तो सेवक धर्म क्या है? सेवक धर्म है कि अपने स्वामी को संकोच में मत डालो। उसको संकोच में डालने का मतलब उसको दुविधा में मत डाल दो कि अब वो क्या करे क्या ना करे बेचारा। मतलब देखो यहाँ पे कोई बुरी बात तो भरत जी नहीं कह रहे, जैसे मैया जी हमेशा कहते थे ना, एटलीस्ट हम जहाँ पे बैठे हैं हमें अच्छे बुरे की पहचान है, हम एटलीस्ट देख सकते हैं कि हम बुरा नहीं चूज करेंगे, हम अच्छा ही चूज करेंगे। लेकिन जब दो अच्छे सामने आते हैं तो उस समय कौन सा अच्छा चूज करना है तब मुश्किल है ना। तो ये है भरत जी के सामने आप, ठीक है ना। तो वो उनका जो वो चाहते हैं वो तो सही है, लेकिन तो फिर प्रभु राम जी को वो अपनी तरफ से कह रहे हैं ना कि तुम नहीं, तुम ये सब छोड़ के वापस आ जाओ, ये बात है ना। तो उसके बाद कहते हैं फिर साफ ही बोला उन्होंने, देखो ये नहीं बोला कि क्या बोला उन्होंने, बोला हे नाथ आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है। स्वार्थ मतलब हम तो है क्या, हमें तो एक राजा चाहिए, ठीक है, हम सबको, एंड आप जैसा ही राजा चाहिए, आप ही चाहिए। तो हम अपने स्वार्थ के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं लेकिन अब समझ में आ गई बात। क्या समझ में आई? कि हाँ वो हमारा स्वार्थ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा स्वार्थ जो हम चाहते हैं ना वो ही एक्चुअली अच्छी चीज है, तो वो ही कल्याणकारी है। वही आ गया ना श्रेय एंड प्रिय, रिमेम्बर वो वर्ड आ गया ना गीता वाले, प्रिय एंड श्रेय। तो प्रिय तो यही है कि आप आ जाओ राजा बनिए, ये सबको प्रिय लगेगा, माताओं को, जनता को, सबको, राइट। एंड कहते हैं लेकिन आपकी आज्ञा पालन करने में करने से करोड़ों प्रकार से कल्याण है। अब ये श्रेय इसमें है ना। तो प्रिय तो वो था लेकिन आइए समझ आ गई, अब श्रेय ये है, कल्याण किस में है? आपकी एक आज्ञा पालन करने में करोड़ों कल्याण होते हैं उससे। तो कहते हैं यही स्वार्थ और परमात्मा का सार है। तो इवन दो हम अगर हम गुरु को कहें कि नहीं नहीं मैं आपके पास रह के आपकी ही सेवा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो पर गुरु बोलेंगे कि नहीं, तुम हमारे कितने संतों ने किया ना कि नहीं तुम विदेश में जाओ और वहां जाके प्रचार करो, जैसे हमारे इस्कान वाले थे गुरु, है ना, तो प्रभुपाद जी, तो वो देखो इतना दूर कंट्री अपना छोड़ के आए और यहाँ आके उन्होंने सबको ज्ञान दिया, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सारी दुनिया को बताया उन्होंने। तो ये क्या होता है जी, ये जो बता रहे हैं भरत जी, जो जीवन मुक्त, रिमेम्बर वो जो कौन होता है, मुक्त जीव होते हैं, हमने कहा था ना तीन प्रकार के जीव होते हैं, एक विषयी होते हैं, मुक्त जीव होते हैं, हमने बोला था ना, हमने तब कहा था ना मुक्त एंड देन एक होते हैं, क्या बोला था हमने, एक तो स्वार्थी होते हैं ना, तो एक एक विषयी होते हैं, एक परमार्थी होते हैं,
एक मुक्त जीव होते हैं। तो जो मुक्त जीव होते हैं जैसे नारद मुनि जैसे ये सारे मुक्त जीव हैं, इनको तो भगवान मिले हुए हैं, इनको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, उसको मुक्त जीव कहते हैं। लेकिन इवन मुक्त जीव होने के बाद भी जो अगर भगवान आज्ञा करे वो ही करना चाहिए, ये मुक्त जीव की भी पहचान बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अब हमें ज्ञान मिल गया सच्चा, हमें भगवान के दर्शन हो गए, अब हम तो अपना करेंगे बैठ के जंगल में। और आजकल बहुत सारे, विवेकानंद जी ने भी वही किया, उनको मिल भी गए थे, वो खुद ही कहते हैं, कहते मैं मेडिटेशन में बैठा रहता था और मुझे बहुत आनंद में होता था, तो ऐसे आवाज आती थी जैसे मेरे गुरु डांट के बोल रहे हैं बाहर निकल, ये मेडिटेशन में तुम्हें इसलिए नहीं तैयार किया था, जाके लोगों के दुख दूर करो। ओम स्वामी जी हैं जो हम बहुत बार वो उनका जिक्र करते हैं, ओम स्वामी जी ने भी यही 30 ईयर की एज में सब छोड़ के, मल्टी मिलियनर थे, अपने आप अपने हाथों से सब कमाया है, मिलियनर बने हैं इन द एज ऑफ 30, और 30 जैसे 30 हुए अपना संन्यास ले लिया। इतनी भयंकर तपस्या करने के बाद उन्हें देवी के दर्शन हुए, मैया के। अगर वो चाहते तो वही आनंद लूटते रहते जंगल में रह के, बट ही केम बैक टू द संसार लोगों को बताने के लिए कि ये क्या है, कितना कुछ वो कर रहे हैं, साधना ऐप बना के सब लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे पूजा की जाती है ढंग से सब पूरी। तो वो जो जीव मुक्त होते हैं वो भी भगवान की आज्ञा, मतलब उनको पता है कि भगवान की आज्ञा इसी में है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें मिल गया अब तुम दूसरों को भी बताओ, उनकी सहायता करो, ये बात है। तो ये है उनका मतलब कि आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। तो उसके बाद कहते हैं, बट ये देव मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित वैसा करिए, जैसे गुरुदेव ने कहा था ना एक बार विनय पूर्वक वहां बैठ के बोलो, तुम बोलो, तो फिर जो राम जी को बोला था तुम उसकी सुन लो, और फिर जो तुम्हारा मन करे वो करना, मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे, ऐसा नहीं बोला था मन करे। तो यहाँ देखो भरत जी भी वही कहने लगे, क्या बोल रहे हैं, एक बार मेरी सुन लो विनती, फिर जो जैसा उचित हो वैसा कीजिए, वैसा आप कर लेना जैसा उचित समझोगे। और फिर बताते हैं कि देखो आपको तो पता है कि राज तिलक की तैयारी करके हम सब यहाँ आए हैं, आपको राजा बनाना चाहते हैं, तो लेकिन कहते हैं सो जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कर दीजिए, है ना, हमारी इच्छा को पूरी कर दीजिए। तो कहते हैं उसके बाद बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है कि जो गुरु जी ने जैसे बताया था ना कि अगर छोड़ना पड़े तो फिर ऐसे कर सकते हैं, तुम ऐसे रह लेना या तुम तीन, तो वो अब वही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते हैं कि मैं और शत्रुघ्न वन में रहेंगे और आप तीनों लोग जाओ, है, तो अगर आप ये भी नहीं मानते तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि मैं यहाँ रह लेता हूँ, लक्ष्मण एंड भरत, लक्ष्मण जी एंड शत्रुघ्न चले जाए तो मैं आपकी सेवा में रह लेता हूँ। तो फिर उसके बाद बोलते हैं लेकिन जो महामंत्र है ना यहाँ पे शरणागति का, वो ये है, जे ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होए करुणा सागर की जो सोए, दिस इज द महामंत्र शरणागति के लिए। अगर कभी मन में शरणागति हेतु आए ना, जैसे हमारा है ना कार्पण्य दोषो प्रहत्सव, इसी तरह से ये है, ये आसान हो गया हिंदी में, सबको ही कह सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता संस्कृत नहीं आती शुद्ध वो नहीं है। सो ये है, जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होए करुणा सागर खींच सोई। जो प्रभा दीदी एक बार आए थे ना, तो उन्होंने हम सबको ये माला कर, पता नहीं हफ्ता भर कराई थी कि ये माला करो रोज इसकी। तो अब हम देखते हैं कि कहते हैं जिस प्रकार प्रभु आपका मन प्रसन्न हो वही कर दिए, जो आपकी इच्छा हो। तो उसके बाद बोलते हैं, तो कहते हैं आपने सारा भार मुझ पर बोला, मुझे बोला कि मैं बताऊं क्या करो, बोले पर मैं तो यहाँ दुखी हूं ना, जैसे वो वहां गुरुदेव ने बोला था ना हम तो दुखी हैं, भगवान ने जब कहा आप जो आज्ञा दो वो करूंगे, तो वो उन्होंने बोला था ना कि देखो इस समय दुखी हैं, इस समय मैं तो भरत के साथ हूँ, मैं तुम्हें कोई धर्म पूर्वक आज्ञा नहीं दे सकता, है ना। तो फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं तो दुखी हूं ना, मेरा जो दुखी मन जब होता है तो हम ठीक डिसीजन नहीं ले सकते उस समय, राइट। तो फिर कहते हैं तो हे कृपालु, अब मुझे कहते, अब मैं आपको सच्चे मन से बताता हूँ कि अब मुझे वो ही भाता है जिसको स्वामी मन संकोच न पावे। कहते मतलब आप बिल्कुल भी बुरा ना मानिए, दुविधा में ना बैठिए, मैं आपके चरणों की सुगंध खा के मैं कहता हूँ
कि आप जो कहोगे, जो भी उपाय आप बताओगे उसी में कल्याण। तो इसका मतलब अब जब ये उन्होंने ये बात कही ना, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, उसका मतलब ये है कि मैंने अपने ऊपर बता दिया मेरी इच्छा क्या थी। पर लेकिन इस शरणागति के बाद उनका आ गया कि देखो मेरी इच्छा तो ये थी, बट आज मैं सारे संकल्प विकल्प छोड़ता हूं, कोई इच्छा नहीं है मेरी, जो इच्छाएं थी उसको मैं भगा दूंगा, मैं इस समय फ्री कर दूंगा अपने मन को, बस जिसमें आपकी प्रसन्नता हो वो बताइए, वो ही हम करेंगे। और कितना सुंदर उन्होंने फिर बोला है कि देखो प्रसन्न मन से, जैसे प्रभु ने कहा था ना प्रसन्न मन से बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें, ये भी प्रभु को यही कह रहे हैं, प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे सब लोग सिर चढ़ाकर करेंगे, पालन करेंगे। कहते हैं आप हम सब यहाँ पे बैठे हैं ना, क्योंकि उन्होंने बताया था ना ऐसे कर लो ऐसे कर लो, कहते हैं आप कुछ नहीं, मैं कोई भी संकल्प विकल्प नहीं देता आपको, आप हम चारों हम तीनों भाइयों को, आप हम सब मंत्रियों को, आप जनता को, सबको जिसको जो आज्ञा दोगे हम सब करेंगे, कोई फिर वही कोई भी ऐसा नहीं है कि वो आवाज ऊंची उठा के नहीं नहीं ये नहीं मैं कर सकता, बोले नहीं जो आप कहोगे अब वो ही करेंगे हम सब। तो से कहते हैं कि करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी, फिर कुछ रहेगा ही नहीं वापस। तो इसके बाद 269 के नीचे पढ़ेंगे। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए, यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा, उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपके आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। हाँ, तो हम देखते हैं कि अब भगवान जी ने जब ये सुना तो भरत जी के पवित्र, पहले तो वो ना बोल रहे हैं यहाँ पे कि भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए, साधु साधु के बोले। ठीक है, देवता ने अब फूल बरसा दी, अब खुश है कि अब कुछ हो जाएगा। एंड अब हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे चार बातें उन्होंने कही थी ना। पहली बात तो उन्होंने कही थी कि हम आपको राजा बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया था कि आप शत्रुघ्न में चला जा रहूंगा, यहाँ पे आप चले जाइए। फिर कहा था नहीं तो ये वो चले जाएंगे, मैं यहाँ रहूंगा। फिर एंड में बोला कि नहीं, आपको जो जो आप चाहते हो वो ही करूंगा मैं। तो अब हम फाइनली देखो जब ये बोला गया, यही यही है धर्म का सार। अपनी जिद नहीं की उन्होंने। अगर इमेजिन करो कि जब कर्ण को समझा रहे थे, जब दुर्योधन के सामने भगवान के, चलो दुर्योधन को तो बुरा मानते हैं, कर्ण को समझाया था, आचार्य द्रोण भीष्म पितामह वहां बैठे हुए थे, सबको भगवान ने समझाया था कि संधि करने में फायदा है, कि ये ब्लड शेड नहीं होना चाहिए, तो कोई तो मान जाता उनकी बात अपने धर्म की। यहाँ देखो भरत जी भगवान के सत्य की रक्षा करना चाहते हैं एंड भगवान उसके सत्य की रक्षा करना चाहते हैं, देयर इज नो कंपटीशन, है ना। एंड ये बात है। सो इस तरह से है कि ये एक सीख है हम सबके लिए कि तो भरत जी हमको धर्म का सार बता रहे हैं, प्रेय एंड श्रेय की बात बता रहे हैं, प्रिय एंड श्रेय की, है ना। तो अब कहते हैं कि नहीं, अब हम इसके आगे देखते हैं कि अब जब ये सब सुना तो अब राम जी तो थोड़ा संकोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, और वो लोग भी देख रहे हैं कि अब
अब राम जी क्या फैसला करेंगे। तो अब हम देखते हैं, तब देखो अब आप देखो एक एक शब्द को पढ़ना चाहिए। वहां कहते हैं अब अचानक वो जैसे मूवी में सीन चेंज होता है ना वो थोड़ा भगवान का भी वो है ना, थोड़ा सा माहौल चेंज करना चाहते हैं कि अभी राइट नाउ इसी समय डिसीजन नहीं ले सकते, थोड़ा सा तो अब विचार करना पड़ेगा, अगर कोई और बीच में आ जाएगा तो थोड़ा मुझे भी टाइम मिल जाएगा, किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। तो अब क्योंकि एकदम से अगर फैसला कर ले तो फिर ऐसा लगता है ना कि भगवान तो यही चाहते थे, फटाफट करके उन्होंने पैसे किया है ना, फिर वो भाव सा नहीं आता, इसीलिए फटाफट क्लाइमेट चेंज कर दिया भगवान ने। अब जो शब्द देखते हैं हम, जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि विशिष्ट सुने वेग बुलाए। अब जनक दूत, देखो यहाँ विदेह नहीं बोला, जनक के दूत, महाराजा जनक जी का नाम लिया जनक के दूत। अब ये देखो इसमें बहुत बड़ी बात है, अब क्यों ऐसा बोला, तो अब इसका मतलब है कि महाराज जनक दुखी हैं, इसलिए दूत भेजा ना, अदरवाइज इतनी दूर दूत क्यों भेजेंगे महाराज जनक, इसका मतलब कुछ दुविधा में है, कुछ असमंजस में है, तो इसलिए यहाँ पे जनक बोला गया, विदेह नहीं बोला। अगर विदेह बोलते तब तो ये होता कि वो ज्ञानी है, उनको तो सब पता है, वो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो बीच में कभी नहीं आएंगे, वो यहाँ क्यों आएंगे, उनको पता है जो हो रहा है भगवान की इच्छा से वो ठीक ही होगा। तो अब सो उसके जैसे इन्होंने गुरु विशिष्ट ने सुना के लिए, मैं यहाँ पे गुरु विशिष्ट की आज्ञा से सब कुछ हो रहा है ना, वो ही है सबसे बड़े, जैसे उन्होंने सुना तो उन्होंने तुरंत आज्ञा दी कि दूतों को बुलाया जाए। एंड अब दूत करी प्रणाम तिन राम निहारे, प्रणाम किया दूतों ने, तो जैसे उनकी नजर राम जी के ऊपर पड़ती है, देख वेशु देख भय निकट निपट दुखारे, उनको तो वेश देखते ही एकदम दुखी हो गए, बिकॉज रिमेम्बर इन लोगों ने तो भगवान को दुला रूप में देखा था, तो उनको तो वही रूप भगवान का प्यारा है ना, दुला का सुंदर रूप, और यहाँ देख रहे हैं कि जटाओं का मुकट है, वस्त्र कैसे पहने हुए हैं, तो वो एकदम से उनको तो कितना शाक लगा होगा। फिर दूते मुनिवर भूजी बाता कहूं विदेह भूप फिसलाता, मुनि विशेष जी ने तो दूतों से पूछा, क्या पूछा, अब उन्होंने बोला विदेह है ना, अब विदेह बोला कि वो विदेह मतलब विशेष जी को तो पता है कितने ज्ञानी पुरुष महाराज जनक विदेह है, अब वो कुशल से तो है, तो अब ये देखो तो अब कहते हैं, अब जब उन्होंने ये पूछा तो दूतों ने क्या किया, मस्तक निभाया अपना, मस्तक कहते झुकाया अपना, नवाकर उन्होंने क्या पूछा, मस्तक नवाया, तो बोलते हैं हे स्वामी आपके आदर से आदर के साथ पूछना यही है हे गोसाई कुशल का कारण है। जब भी हम जब हम पहले अब तो चिट्ठियां लिखते ही नहीं तो हम क्या लिखा करते थे, सबकी एक लाइन होती थी, हम यहाँ पर सब कुशल से आशा करते हैं आप भी सब कुशलता पूर्वक होंगे, ऐसे शुरू करते थे ना चिट्ठी, तो अब तो वो लाइन ही भूल गई, क्योंकि कोई हम इस तरह से चिट्ठी को शुरू करते थे जब परिवार के लिए किसी के लिए लिखते थे, क्योंकि जब भी हम ये कहते हैं कि हम आशा करते हैं आप सब कुशल से होंगे, वो आशा एक होती है कि आप सब ठीक ठाक होंगे वहां पे। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर आप गुरु विशिष्ट हम आशा कर रहे हैं कि हम कुशल से हों, तो हम कुशल ही कुशल हैं, क्योंकि संत संत हमारी कुशलता चाहता है ना, तो ये बता रहे हैं कि देखो आप अगर कुशलता चाहते हैं तो हम कुशल से हैं। तो फिर कहते हैं नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। तो देखो दूतों की वाणी है, ये दूत है, कितने ज्ञानी दूत रहे होंगे, ऐसे लगता है वेद वाणी निकल रही है उनके मुंह से है ना। तो कहते हैं अदरवाइज तो ऐसा है कि हमारी तो कुशलता महाराज दशरथ जी के साथ ही खत्म हो गई थी कहने का मतलब अगर हमारे महाराज विदेह नहीं होते तो हम सब भी नष्ट हो गए होते, इतना दुखी हो गए है ना, क्या हाल होता हमारा। तो अब कहते हैं किंतु मिथिला और अवध, तो कहते हैं हम लोग वैसे तो जब महाराज दशरथ की मृत्यु हुई तो ऐसे लगा कि विश्व अनाथ हो गया, बट विशेष रूप से अवध एंड मिथिला हुए, बिकॉज वो तो एक समधि की रिश्तेदारी है, जितना कोई ज्यादा है ना, जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना ज्यादा दुखी होगा ना,
हमारा क्या रिश्ता है किससे, उतना ही हमें उतना हम सुखी दुखी होते हैं। तो कितना सुंदर वो बोल रहे हैं। आज हम इसको फिर यहाँ पे खत्म करेंगे, आगे अभी दूत और बहुत सुंदर बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जो संतों से पढ़ा सुना वो सब आपके साथ शेयर किया जाता है। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन एनीबॉडी फॉर टुडे? नो क्वेश्चन। तो ठीक है, लास्ट वाला बोल ले। हर बार पर मांगो हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। थैंक यू एवरीवन। नारायण 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 नारायण।